एफआईआर के बिना पे आपका उसी एग्जैक्ट कंडोलेंस में नाम रखा जाता है, क्या कहेंगे? जब मैं 3 जुलाई को यहाँ पेश हुई थी ना, तो मेरे पर 42 एफआईआर थे और मैंने 42 एफआईआर की अपने वकील जो है उसामा मेरे साथ ही खड़े हैं, ये मेरे साथ काउंसल पेश हुए थे और मैंने पूरी की पूरी 42 एफआईआर की बेल जो है वो जमा कराई थी। उसके बाद एक दिन के लिए मेरा नाम निकाल दिया गया, दूसरे दिन फिर मुझे दोबारा एक तरीके से यूँ समझे ना ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, और इन्होंने खुफिया मेरे ऊपर और 4 एफआईआर कर दी। मैंने जज साहब को भी यही कहा है कि मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, मैं सेकेंड टाइम इलेक्टेड हूँ, मैं पार्लियामानी लीडर हूँ, मैंने अपना मुल्क छोड़ के कहाँ जाना है? अगर मैं आप पाकिस्तान का एक शहरी होता है, आप पाकिस्तान के शहर के ऊपर उसका आईडी कार्ड है, फिर उसके बाद उसका अपना पासपोर्ट है, वो आगे से स्टेट कह रही है कि नहीं ये अगर उम्रे पे भी जाना चाहती थी तो एयरपोर्ट पे ही चली जाती, जाके दिखा देती। मैंने जैसे आपको फरमाया कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मुझे पासपोर्ट ही उन्होंने डिप्राइव्ड किया हुआ है, मुझे स्टेट मेरा पासपोर्ट ही नहीं इशू कर रही, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं एयरपोर्ट पर जाके क्या करने जाऊँगी। सो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है, इनके पास ये सिर्फ बहाने हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि दहशतगर्द अंदर आते फिरें, ये चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, और जो पीटीआई के लीडरान हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनके ऊपर इनका कोई गुस्सा है, पीएमएलएन को कोई गुस्सा है कि इनका दिल ठंडा हो जाए और ये जाके बस कोई सजा दे दें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या लीडरान हैं उनको ये एटीसी कोर्ट में दहशतगर्द बना के जो है वो पेश करते रहे। लेकिन कल जज साहब ने इनको टाइम दिया, टाइम इनके पास जवाब कोई नहीं था स्टेट के पास, कल इन्होंने कल वक्त मांगा है, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल जो है वो मेरा नाम ECL से निकल जाएगा, ECL से भी या PNL से या वट एवर जिस चीज़ में भी इन्होंने डाला है बहानों, तो इनके इमिग्रेशन पासपोर्ट जी, तो कोई ना कोई कोई नहीं निकल जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखें हमारा काम है हौसले के साथ सियासत करना, अपने मुल्क के अंदर खड़े रहना, अपने मुल्क के आइन की कानून की पासदारी करना, कोर्ट का दरवाज़ा कटाना, इंसाफ देर से सही पर इंसाफ मिलेगा ज़रूर, इंसान हक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहे, हमारा मुल्क हमने यहीं पर सियासत करनी है, हमने कौन से लंदन या दुबई जो है वो पैसे लेकर नोटों के बैग लेकर ज़्यादा भाग जाना है, हमारा तो जीना मरना मुल्क के अंदर है। 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ पाकिस्तान के गयूर अवाम के वोट की ताकत से, अभी भी मैं अभी दोबारा ATC कोर्ट जा रही हूँ, फिर मेरे ऊपर उन्होंने सिंगजानी में जो एक FIR की तौर सुना था, कुछ कह रहे थे कि मैंने दस्ती बम से पुलिस के ऊपर हमला किया है, मैं अभी वहाँ पर अपनी जो है वो उसके लिए जा रही हूँ, बेल के लिए जा रही हूँ। तो हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम तो कानून की पासदारी करते हैं, यही मेरे लीडर ने मुझे सिखाया है। ये तो आप उसको कहना जो दहशतगर्द हैं, जो आज तक आप मुझे बताएं कि CACL का नाम पे आपने पिछले 2 साल में किसी रेपिस्ट का नाम सुना है, किसी ड्रग डीलर का नाम आपने सुना है, किसी दहशतगर्द का नाम आपने सुना है कि PMLN की हुकूमत ने उसको जो है वो ECL पे या स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया हो? अगर स्टॉप लिस्ट पे डालते हैं तो सिर्फ PTI के लोगों को डालते हैं जिनका जीना मरना ही पाकिस्तान के अंदर है। मेरा लीडर इमरान खान नाहक सजा काट के इस वक्त जेल के अंदर कालकोटरी के अंदर बैठा हुआ है, वो भी 150 रुपये के स्टॉप पेपर के ऊपर मुल्क से प्लेटलिस्ट गिरा के भाग चुका होता, नहीं गया ना, गैरतमंद है, इज्जतदार है, बहादुर है, मुल्क अंदर रह के मुकाबला करा है, तो मैं उसकी टाइग्रेस हूँ, मैं भी इसी तरह कोर्ट का दरवाज़ा कटकटाती रहूँगी, उम्रे की मन्नत मानी हुई, अल्लाह ताला जब बुलावा आएगा तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कल इंशाल्लाह के कोर्ट से इंसाफ होगा और मेरा नाम जो है वो निकाल दिया जाएगा, मुझे मेरा पासपोर्ट भी इशू किया जाएगा और मैं एक शहरी हूँ, ये मेरा राइट है, तमाम लोगों को उसके पास उनका आईडी कार्ड भी होना चाहिए, किसी को राइट नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है कि आप जो है मेरा पासपोर्ट ले लें या आप मेरा आईडी कार्ड ले लें, यह फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वायलेशन हो रही है और पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन अमरीत PMLN कर रही है और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कर रही है सस्पेंड कर रही है। आप सारे आप इस वक्त हाई कोर्ट में आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या आप सोशल मीडिया के हैं या आप वी लॉगर हैं, मेरे आप सबसे वंस एंड फॉर ऑल रिक्वेस्ट है, लेट्स टॉक अबाउट उनके लिए जो लोगों को अगवा करते हैं, PMLN के लिए जो इस या पीपल्स पार्टी के लिए जो काले कानून साजी करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करके अपने लिए कोई जो है वो काले कानून पास करवाना चाहती है अमेंडमेंट की सूरत में, आइए उसके बारे में बात न करें। अगर मेरे 10 MNA हैं या मेरे 5 सेनेटर हैं, जो भी आप कहें, मुझे एक बताएं, एक सियासतदान है, मेरा डेरा है, मैं सियासत करती हूँ डेरा गाजी खान में, मेरा ये इस्लामाबाद कैपिटल में, यहाँ मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं अगर इस्लामाबाद ना हूँ, अगर मैं डेरा गाजी खान ना जाऊँ, अपने डेरे में छुप के क्यों रहूँ? मैं डेरा गाजी खान की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। इसी तरह हमारे मैनेज MPAs हैं, वो कितने देर छुप के रहें? तो इसलिए आज हम सवाल उस पर नहीं उठाएँगे कि आओ छुपने के मशवरे दें, आज सवाल उसके ऊपर उठा लेते हैं जो अगवा
अगवा करते हैं, जो अबडक्ट करते हैं, जो कि लोगों की माओ बहनों बेटियों को अगवा करके कहते हैं कि इस अमेंडमेंट में तुम हमारा साथ दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है फलाना कर दें फलाना। तो आज हम आपके मीडिया के तवसल से आज उनके बारे में बात करें। हमारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए, इमरान खान के नाम पर वोट देने आए, लेकिन मेरा आपसे मीडिया से एक सवाल है कि अगर आपकी बहन को अगवा कर दिया जाए, आपकी बेटी को अगवा कर दिया जाए, आपकी वालदा को अगवा कर दिया जाए, आपके बेटे को अगवा करके आपकी वालदा को टॉर्चर करके आपकी चीखें सुनाई दी जाएं, आपके ख्याल में फिर उस एमएनए सेनेटर को क्या करना चाहिए? इसीलिए ये तो उनकी हिम्मत है कि वो जुड़े हुए। सो आज हमें पीएमएलए और पीपल्स पार्टी को क्वेश्चन करना चाहिए कि वो क्यों ऐसे कानून काले जो है वो अमेंडमेंट करवा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको एमएनए सेनेटर्स अगवा और या उनकी बीवी बच्चों को अगवा करना पड़े।